हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल एंड आई एम शिल्पी एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माय बेल्ट कलेक्शन और मस्ट हैव बेल्ट्स, बिकॉज जो सारी बेल्ट्स हैं ये मस्ट हैव हैं। आपके पास इस टाइप की बेल्ट ज़रूर होनी चाहिए अगर आपको जीन्स के साथ स्टाइल करनी है, अगर आपको शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट के साथ या कोई भी अपने लहंगे के साथ, साड़ी के साथ स्टाइल करनी है। मैं आपके साथ इसमें जो बेसिक बेल्ट्स होती हैं वो तो शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैंने कुछ DIY बेल्ट्स भी की हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आप DIY बेल्ट्स भी कैसे बना सकते हैं, जिसको आप साड़ी के साथ, के लहंगे के साथ स्टाइल कर सकते हैं अपने एथनिक ड्रेस के साथ। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। सारी जो बेल्ट हैं कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, कुछ मैंने ऑफलाइन सरोजनी से ली है। ट्राई करूंगी जिसका भी लिंक अवेलेबल हो पाएगा आपके साथ शेयर कर दूं। सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और गाइज, ये इतनी नॉर्मल सी चीज है ना, मतलब बेल्ट एक ऐसी एसेसरीज है जो पूरे आउटफिट को इनहेंस कर देती है। मतलब आपका कोई भी बेसिक सा आउटफिट है और आपने कोई अच्छी सी बेल्ट को स्टाइल किया है तो वो आपका आउटफिट यहां से यहां हो जाता है। तो बेल्ट में, अच्छी बेल्ट में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत जरूरी है। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है और आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेल्ट्स जो भी मेरे पास है। मेरा बेल्ट का कलेक्शन बहुत कुछ मैंने अभी परचेज की है, कुछ बहुत पुरानी है, 4-5 साल पुरानी भी बेल्ट है। बेल्ट एक ऐसी चीज़ है, एक बार आप उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं अच्छे ब्रांड में भी तो बहुत सालों तक चल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक बेल्ट से जो आपकी वार्डरोब में होनी चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बेल्ट लेके मैंने कितना अच्छा काम किया है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे बॉटम वियर बहुत सारे ड्रेस के साथ वो मिक्स एंड मैच हो जाती है। तो जिस मैं बेल्ट की बात कर रही हूँ जो वार्डरोब में होनी चाहिए वो है कुछ प्लेन बेसिक जो लेदर में ये बेल्ट होती हैं। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस कलर की बेल्ट और ले सकते हैं। कुछ मेरी बेल्ट हैदराबाद भी है तो आप उस कलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर कुछ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बेल्ट है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है ब्लैक लेदर की बेल्ट। मेरे पास ये एक H&M से है, इसका जो बक्कल है वो ऐसे स्क्वायर में है और इसमें जो मैंने अपना साइज लिया था तब इसमें लिया था एक्स्ट्रा स्मॉल, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी छोटी हो गया बिकॉज मैं थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो मुझे, अगर आप मेरे साइज के हैं तो इसमें आपको स्मॉल साइज लेना होगा। एंड इसको मुझे लिए हुए 4-5 ईयर्स हो गए हैं, ये अभी भी बिल्कुल इसका जो एक क्वालिटी है वो बिल्कुल ऐसे की ऐसी है। और मैं इसको इतना यूज करती हूँ अपने जीन्स के साथ, अपनी शॉर्ट्स के साथ, इवन ड्रेस के साथ भी। कोई ड्रेस के साथ मुझे स्टाइल करनी हो बेल्ट तो मैं इसको ईजिली स्टाइल कर लेती हूँ। साथ ही साथ मेरे पास ये एक ब्लैक में राउंड वाले बक्कल की है, ये वाली बेल्ट भी काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब इसको भी ड्रेस के साथ भी मैं स्टाइल कर लेती हूँ और अपने बॉटम वियर के साथ भी मैं इसको स्टाइल कर लेती हूँ। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी H&M की है। ये वाली आई थिंक मैंने 400 या 500 की रेंज में थी। सारी जो मेरी बेल्ट है अंडर 500 रुपीज़ है, बहुत महंगी नहीं है। और ये तो मैंने शीन से परचेज की थी तो इसका जो प्राइस था आई थिंक 150 के अप्रॉक्स था, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड यहाँ पे भी इसका जो ये है पीछे से थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अगर आप एक अच्छी बेल्ट लेने का ट्राई कर रहे हैं तो H&M को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एक बार आप परचेज कर लोगे तो 4-5 साल वो इजीली आपकी चल जाएगी। और ब्लैक कलर की बेल्ट में तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ सिमिलर मुझे मिलेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। सेम मेरे पास ये बिल्कुल लेदर में रेड कलर की भी है बेल्ट, इसका बक्कल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ इस टाइप का है ये। और इसमें मैंने अपना साइज इस बार स्मॉल लिया था, ये भी मैंने H&M से खरीदी थी और इसका प्राइस भी 500 समथिंग ही था। नेक्स्ट वन इज बेज कलर बेल्ट। इस वाली बेल्ट को मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। मुझे कोई भी अपनी ड्रेस के साथ अगर बेल्ट चाहिए तो ये वाली जो बेल्ट है, इस टाइप की जो बेल्ट होती है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। एंड ड्रेस के साथ कोई भी अगर नोट करना है या कुछ भी करना है किसी भी तरह से तो ये इजिली हो जाता है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बिकॉज जो लेदर वाली बेल्ट होती है उसे थोड़ा मुझे ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो इस टाइप की जो बेज कलर की बेल्ट होती है काफी ज्यादा यूज होती है। आपका कोई भी सॉलिड ड्रेस है, मिडी ड्रेस है, मैक्सी ड्रेस है, एंड उसको थोड़ा सा आउटफिट को आप और चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा लुक उसका अलग करना चाहते हैं, तो आप ऐसे वेस्ट पे नोट करके बेल्ट को स्टाइल कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब पूरा लुक आपका चेंज हो जाता है। इस टाइप की बेल्ट मेरे पास एक ब्लू कलर की भी है, मैंने आपके साथ शेयर किया था, एंड ग्रे कलर है, आई थिंक अमेजोन से मैंने ली थी, वो मेरी हैदराबाद है। तो इस टाइप की जो बेल्ट होती है इजिली आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। ये वाली मैंने शीन से खरीदी थी, ये वाला और जो ये ब्लैक वाली है, साथ में मुझे वहां से रिसीव हुआ था पेयर शीन से, और आई थिंक इसका प्राइस
300 या 200 समथिंग दोनों में मुझे रिसीव हुई थी। बट इस टाइप की बेज कलर की बेल्ट, ब्लैक कलर की बेल्ट में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बेल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी काफी ज्यादा वर्सटाइल होती है एंड आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, वो है ये ब्रॉड बेल्ट। ब्रॉड बेल्ट है, इसमें मेरे पास एक ब्लैक कलर है एंड बेज कलर है। इसमें आपको बहुत सारे कलर शेड अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये दो कलर हैं इनफ होते हैं, मतलब मैं इन्हीं को मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ अपनी ड्रेसेस के साथ। ये वाली मैंने शीन से खरीदी थी, लेकिन ऐसी बेल्ट इजीली आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, बिकॉज मैंने इसे चेकआउट किया था तो वहाँ पर अवेलेबल थी। ये भी कुछ लेदर वाली क्वालिटी में है एंड देन इसको ऐसे बहुत तरह से स्टाइल हो जाती है। इवन आजकल आपने कोई लॉन्ग शर्ट पहनी है, लूज फिट जो शर्ट होती है उसके साथ आप इसको ऐसे नोट करके बांध सकते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छा लुक आता है। अपनी कोई भी ड्रेसेस के साथ आप इसको बांध सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आपकी हाइट छोटी है तो जो ब्रॉड बेल्ट होती है उसको आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज इससे क्या आपकी हाइट और भी ज्यादा कम हो जाती है। तो जो मैंने आपको छोटी वाली बेल्ट दी थी, अगर आपको ड्रेसेस के साथ कोई भी स्टाइल करना है तो अपनी छोटी वाली बेल्ट को स्टाइल कीजिए। मेरे पास एक बेज कलर की है, इसको मैंने अभी रिसेंटली सरोजनी मार्केट से परचेज किया था। इस टाइप की बेल्ट भी अमेजोन पर मिल जाएंगी, ये भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। कोई भी ड्रेस के साथ टॉप के साथ आप इनको ऐसे स्टाइल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने आपके साथ बेल्ट शेयर की है गर्ल्स, वो बिल्कुल बेसिक है, मतलब ऐसा है वार्डरोब स्टेपल है जिसको आप बहुत यूज करेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो ब्लैक बेल्ट को आपने देखा होगा, मैं हमेशा उसको यूज करती हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्लैक अच्छी बेल्ट में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए और आप एक बार H&M को जरूर ट्राई कीजिए। तो ये बिल्कुल बेसिक बेल्ट थी जिसमें आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY बेल्ट एंड एथनिक बेल्ट। आपने देखा होगा आजकल साड़ी के साथ बहुत ज्यादा बेल्ट यूज हो रही है, तो मैंने कुछ वैसी बेल्ट DIY कराई है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अपने प्रोडक्ट्स जो आजकल मैं काफी यूज कर रही हूँ, मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले एक अंडर आई जेल शेयर किया था, तो बहुत सारी गर्ल्स ने मेरे को DM करके पूछा कि दीदी ये यूजफुल है, मतलब अच्छा लगा आपको, नहीं लगा? तो मैंने वो तब स्टार्ट ही किया था, अभी मुझे उसको यूज करते हुए 10 से 12 डेज हो गए। तो मैंने सोचा पहले उसको यूज कर लेती हूँ, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तब आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिस अंडर आई जेल की मैं बात कर रही हूँ वो है डर्म डॉग का डीप हाइड्रेटिंग अंडर आई जेल। ये कुछ हमें इस टाइप की पैकेजिंग में मिलता है, इसकी पैकेजिंग सुपर कूल है गाइस, विद हाइलोरिक एसिड एंड इसमें कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा। ये जो इसका सिल्वर वाला पॉइंट है, इसमें जब हम इसको यूज करते हैं तो ऐसा फील होता है बहुत ही ज्यादा ठंडा ठंडा, बिकॉज ये सिल्वर में है, तो जब आप इसको स्किन पे लगाते हैं तो काफी कूलिंग इफेक्ट आता है। तो इसको मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि डार्क सर्कल बिल्कुल एकदम से आपके खत्म हो जाएंगे एंड जो पफी आईज है वो बिल्कुल चली जाएगी, लेकिन मुझे इसको यूज करने के बाद काफी अच्छा फील होता है, काफी कूल कूल एंड जो मेरी आईज बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बार आपने देखा होगा ड्राई पैचेस हो जाते हैं आईज के पास, बहुत खिंची खिंची सी स्किन हो जाती है, उससे मुझे इसमें काफी ज्यादा चेंज लगा है, मुझे काफी पसंद आया है। इसको आपको ऐसे ट्विस्ट करना है, देन जब आप टर्न करेंगे देन आपको बस ऐसे राउंड राउंड करके इसको ऐसे अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इजिली आपको ऐसे अप्लाई हो जाएगा, पूरी अंडर आईज पे कर सकते हैं। जब मैंने अंडर आई जेल ट्राई किया था तभी मैंने डर्म डॉग का ये स्किन ग्लो जेल मास्क विद विटामिन ई भी ट्राई किया था, काफी अच्छी मुझे इसकी पैकेजिंग लगी, बहुत ही छोटी सी एंड प्लास्टिक में पैकेजिंग मिल जाती है। ये मास्क मुझे जो समर है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज का इफेक्ट लगने के बाद काफी कूल, मतलब बहुत ही ठंडा ठंडा सा लगता है एंड कोई भी इसके अंदर कलर या कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल लाइक जैसे एलोवेरा जेल टाइप होता है उस टाइप का है एंड ये बिल्कुल क्लियर जेल है। स्किन पे जब इसको आप लगाओगे, आपको फेस वॉश करके इसको अप्लाई करना है, एक बहुत ही थिन लेयर अपने ऐसे स्किन पे इसको अप्लाई कर लेनी है। आप देखेंगे जब आप इसको लगा लेंगे तो इसको 10-15 मिनट्स छोड़ दीजिए स्किन पे, उसके बाद ठंडे पानी से उसको वॉश कर लीजिए। फेस इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड इतना ज़्यादा रेडियंट फील होता है एंड बहुत ज़्यादा मतलब कूलिंग इफेक्ट है, इतना ठंडा ठंडा सा लगता है जैसे समर में फील होना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये मास्क। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पर्पल से खरीदी है, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो इसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो मैं आपके साथ DIY बेल्ट्स की बात कर रही थी, तो वो है ये DIY बेल्ट्स, मैंने बनवाया है इनको इस टाइप में कुछ। ये आपको इजीली लेस मिल जाएगी कहीं से भी, जो लेस वाली मार्केट होती है उसमें आप कोई भी टाइप की बनवा सकते हैं, आप टेसल में बनवा सकते हैं, आप सीक्वेंस में बना सकते हैं। मैंने कुछ ये पीच कलर में बनवाई है, नीचे यहाँ पे ऐसे रेशम के धागे की कुछ डिटेलिंग है एंड इसको मैं कोई भी अपनी प्लेन साड़ी के साथ ऐसे बांध लेती हूँ। यहाँ पर टेलर से मैंने इसमें ऐसे दो डोरी लगवा ली है जिससे ये इजीली पीछे ऐसे टाई हो जाए और आप कोई भी अपने इसे नॉर्मल सी बेसिक प्लेन कुर्ते के साथ या
या फिर प्लेन ऐसा गाउन के साथ, साड़ी के साथ आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। इसी टाइप में मैंने ये एक गोल्डन कलर में बनवाई है। ये वाली भी मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड बहुत वर्सेटाइल लगती है बिकॉज ये गोल्डन कलर में है, तो मेरी रेड कलर की, ग्रीन कलर की बहुत सारी साड़ी के साथ ये चल जाती है। एक मेरे पास ये पर्ल में है बेल्ट, इसको भी मैंने शीन से लिया था, बट इस टाइप की बेल्ट मैंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर नहीं देखी है। ये वाली बेल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है साड़ी के साथ या कोई भी बेसिक आपका कुर्ता हो सूट के साथ, तो आप इसको पहन सकते हैं। यहाँ पर पूरे इस पर बक्कल मिल जाता है बो टाइप में, इसमें भी ऐसे पल्स की डिटेलिंग है, ये पूरा ऐसे पल्स में, ये स्ट्रेचेबल है तो आराम से वेस्ट पे आ जाती है। मेरी सिस्टर भी इसको पहन लेती है, मेरी मतलब फ्रेंड है वो भी इसको पहन लेती है बिकॉज इसमें कोई साइज का इशू नहीं है, स्ट्रेचेबल है, देन बस इसको ऐसे लगाना है और बस इसको ऐसे पहन लेना है, तो काफ़ी यूज होती है। सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगी मैं बहुत यूज़ करती हूँ उस बेल्ट को, वो है ये गोल्डन कलर की मेटेलिक बेल्ट। ऐसी वाली बेल्ट बहुत अच्छी लगती है, आप सेटिन की साड़ी के साथ पहनो इनको, मतलब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में भी है। तो ये मैंने अमेजोन से ली थी, इस वाली का तो मैं लिंक आपको पक्का से नीचे दे दूँगी, तो आप इसको ज़रूर मंगाइए, मतलब ये बहुत यूज़ करोगे आप अगर आप साड़ी लवर हैं। और कोई भी अभी वेडिंग सीजन भी आने वाला है, फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, कोई भी आपका बेसिक सी साड़ी होगी, नॉर्मल सी साड़ी होगी, उसके साथ आप इसको पहनेंगे तो पूरा लुक बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाएगा। बस ये था मेरा बेल्ट का कलेक्शन जो मैं अपनी वेस्टर्न वियर और एथनिक वियर दोनों के साथ स्टाइल करते रहती हूँ। ये बिल्कुल बेसिक एंड इसमें मैंने सारी कुछ टाइप की बेल्ट को कलेक्ट किया हुआ है जो मुझे सोचना ना पड़े और मेरे सभी आउटफिट के साथ ये मिक्स एंड मैच हो जाए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो और यूजफुल रही हो, शायद आपको थोड़ी इससे हेल्प मिले वीडियो के कि आप किस टाइप की बेल्ट ले सकते हैं अगर आप लेने का ट्राई कर रहे हैं। तो DIY बेल्ट को तो आप ऐसा है जब आप कोई ब्लाउज का फैब्रिक लेते हैं तो उस फैब्रिक से भी अपनी सेम बेल्ट बनवा सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसी लेस वाली बेल्ट तो आप इजीली बनवा सकते हैं, कहीं से भी आपको लेस मिल जाएगी। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट्स के लिए मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है style.n.dine। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।